अस्सलामुअलैकुम, नेचुरल रेमेडी सेंटर में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। हर उस शख्स को जो हमारे चैनल को पसंद करता है, हमें दुआओं में याद रखता है और हमारी हर वीडियो को लाइक और शेयर करता है। अच्छा, आज एक बहुत अच्छी रेमेडी आने वाली जिसकी आई थिंक काफ़ी रिक्वेस्ट होती है, लोगों की पसंद भी करते हैं, वो है वेट लॉस। वज़न किस तरह कम किया जाए, बहुत सारी हम रेमेडीज़ भी ट्राई कर चुके होते हैं, सप्लीमेंट्स भी खा चुके होते हैं और बहुत दिनों से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डाइट पर हैं, कंटिन्यूसली डाइट कर रहे हैं, एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, बट वेट लॉस नहीं हो रहा, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा मतलब किस रीज़न की वजह से। तो आज एक सरप्राइज रेमेडी सर लेकर आए हैं हमारे सामने, हम जल्दी से पूछते हैं सर क्या लेकर, सर बताइए सबको। जी बिल्कुल, एक ऐसी रेमेडी लेकर आए हैं जिससे आप वीकली तौर पे यानी हफ्ते में एक एक हफ्ते में आपका एक एक किलो वजन कम होगा। हर हफ्ते मैजिक होगा ये। तो एक हफ्ते में वजन एक किलो कैसे कम करेंगे, हम आपको उसकी रेमेडी बताएंगे और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो काफी वायरल होगी और आप आगे भी शेयर कीजिए, दूसरों की भी मदद कीजिए जो वजन कम करना चाहते हैं। तो इस वीडियो से मैंने बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता की हैं क्योंकि मैंने जब जब ये रेमेडी बताई है मुझे बहुत अच्छी पसीराई मिली है इसकी और हफ्ते में एक किलो वजन जरूर कम होता है, यानी वन वीक में एक किलो वजन होगा तो एक महीने में चार किलो वजन कम होगा। तो उस तरीके से आप उसे आगे भी कंटिन्यू भी जारी रख सकते हैं, कोई नुकसान नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप खाना पीना जारी रखिएगा, जो भी चीज खाते हैं अच्छी तरह चबा के खाइएगा और थोड़ा भूख रख के खाइएगा और साथ में वॉक कीजिएगा, एक मिनट में 62 कदम हो आधे घंटे की वॉक कीजिएगा, ठीक है, और साथ में ये रेमेडी यूज कीजिएगा। आप देखिएगा लोग आपसे पूछेंगे आप क्या खा रहे हैं, आपका वेट कम हुआ है। और आप भी बताइएगा सीक्रेट और जितने भी लोग हमारे व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, आप नेचुरल रेमेडी सेंटर के इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को जरूर क्लिक कीजिए ताकि आपको हर वीडियो हमारी बार बार मिलती रहे आपको, और इसे आगे भी शेयर कीजिए ताकि आगे दूसरों की भी मदद हो सके। क्योंकि ये नुकसान जितने भी बताए जा रहे होते हैं ये बेजरूर होते हैं, इसका कोई नुकसान नहीं होता, ये पहले हम खुद खाते हैं उसके बाद हम लोगों को बताते हैं। तो चलते हैं रेमेडी, चलते हैं हम रेमेडी की जानिब, इंशाल्लाह देखिए। नाजरीन, इसमें तीन चीजें हैं और बहुत आसान रेमेडी है, ये है बरगे हिंदी, बरगे हिंदी, ठीक है, ये इसका पाउडर है, बरगे हिंदी का पाउडर, ये तरफला है, इसमें तीन चीजें होती हैं, हड़, बेड़ा और आमला, ये तीन चीजों को मिला लें तो ये तरफला बनता है, ये इसका पाउडर है तरफला। ये है बरगे सुद्दाब, बरगे सुद्दाब, ये इसका पाउडर है। आप इन तमाम को साबुत लेके एक ही मशीन में डाल के भी पाउडर बना सकते हैं, ऐसे मिक्स करके बारीक पाउडर बना लें। मैं इसकी रेमेडी दोबारा रिपीट कर देता हूं, बरगे हिंदी, तरफला और बरगे सुद्दाब, तीन चीजें हैं, इनको मिला के ऐसे पाउडर बना लें। और इनका वेट मैं भी आपको अभी बताता हूं थोड़ी देर में, क्योंकि हर एक चीज का अपना एक वजन होता है। आपने मिक्स करके पाउडर बना के एक चाय वाली चम्मच सुबह नाश्ते से पहले, एक चाय वाली चम्मच रात खाने से पहले सादा पानी के साथ लेना है, छोटी चाय वाली चम्मच लेनी है, बड़ा चम्मच नहीं खाना है, ठीक है, और इसे कंटिन्यू आपने इस्तेमाल करना है और मैं आपको इसकी पूरी डिटेल देता हूँ। ऐसे पाउडर बना। अच्छा, इनका वजन जो आपने लेना है ये तमाम चीजें 50-50 ग्राम लेके मिला के बारीक पाउडर बना लें और जब खत्म हो जाए तो और ले लीजिएगा। ऐसे बारीक पाउडर बनाकर एक छोटी चाय वाली चम्मच सुबह नाश्ते से पहले और रात खाने से पहले सादा पानी के साथ लेना और ये कंटिन्यू आपने इस्तेमाल करना है, 2-3 महीने इस्तेमाल करें, इसका साइड इफेक्ट कोई भी नहीं है। ये पेट के निज़ाम को भी बेहतर रखती है, अगर कॉन्स्टिपेशन रहता हो कॉन्स्टिपेशन को भी दूर करती है, मुंह अगर कड़वा रहता हो मुंह का जायका भी बेहतर हो जाता है, जुद हजम हो जाती है हर चीज़। लेकिन जिस तरह मैंने शुरू में अर्ज किया, जो भी चीज़ खाएं अच्छी तरह चबा के खाएं और थोड़ा भूख रख के खाएं और इसे कंटिन्यू भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बात याद रहे कि कोई भी वजन कम करने वाली रेमेडीज जो होती हैं वो मदर फीड वाली खवातीन इस्तेमाल ना करें और प्रेगनेंसी के दौरान इस्तेमाल ना करें,
ठीक है। और ये एक बहुत ही आसान रेमेडी तीन चीजों की है और हर हफ्ते 1 किलो वजन कम होगा। आप इस्तेमाल करके आपके फीडबैक का हमें इंतजार रहेगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, नेचुरल रेमेडी सेंटर सब्सक्राइब करें और इसे लाइक करें, शेयर करें, दूसरों के साथ भी करें और बेल आइकॉन को जरूर क्लिक करें। थैंक यू सो मच। आप सब अपना ख्याल रखिएगा, हम दोनों को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।